हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। मैंने निफ्टी डेली, निफ्टी वीकली और बैंक निफ्टी वीकली की एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, चैनल पे आप विजिट करके देख लीजिए। और ये बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस है। अब हम लोग इसमें ट्रेड प्लान बनाएंगे कि हमें सोमवार के दिन किस तरीके से बाजार में कारोबार करना है और बाजार क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजार ने जो पहले हाई बनाया था 12 बजे के आसपास 15 तारीख को, यानी फ्राइडे को वो बनाया था 46,280, उसको क्रॉस करने की कोशिश करी, हाई बनाया 310 और सीधा नीचे आ गया, ठीक है। अब बाजार क्या कर सकता है सोमवार के दिन? तो सोमवार के दिन बाजार के लिए जो रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, वो 46,280 होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी वो फेल हुआ था। बाजार ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है फ्रेंड्स, गैप अप खुल सकता है, फ्लैट खुल के ऊपर जा सकता है और 46,280 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। अगर वो 46,280 पे रेजिस्टेंस फेस करता है, कंसोलिडेट करके उसको ब्रेक करता है ना, देन फिर हम 370 तक के लिए लॉन्ग में बैठ सकते हैं, जो कि अभी तक 52 वीक हाई है। फिर देखेंगे कि अगर वो 400 के ऊपर टिक जाता है, देन फिर हमारा दो टारगेट ओपन हो जाएंगे, 46,480 और 46,660, ठीक है। एक तो ये हो गया फ्लैट खुल के ऊपर जाना, दूसरा अगर वो गैप अप हो जाए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी बोले जी अब तो ऐसा है 280 को क्रॉस करना ही पड़ेगा, बुल्स को 280 के ऊपर ही जाके खुल जाए तो थोड़ा सा वहां सस्टेन कर लीजिए, नीचे आने दीजिए। नीचे आके जब वो दोबारा से 280 के ऊपर टिक जाता है, फिर फ्रेंड्स हम दोबारा से कॉल में बैठ जाएंगे 46,370 और 46,400 के ऊपर 46,480, 46,660। ये याद रखिएगा कि 370 से 400 के बीच में कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा निकलने दीजिएगा ऊपर, तब हम करेंगे। क्यों? क्योंकि काफी तेजी से नीचे से आ ही रहा है, नॉन स्टॉप आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 30 पॉइंट का इंतजार करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्रेड प्लान ऊपर की तरफ कैसे कारोबार करना है। अब नीचे की तरफ कहाँ आता है? नीचे की तरफ देखिए, अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है, वैसे उसके चांसेस कम है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे ही दिखा रहा है। अगर हो सकता है अगर निफ्टी नीचे खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे खुल जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है फ्रेंड्स, वो सपोर्ट आता है 46,030 के आसपास, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग दिखा रही है 46,150, 46,030-30 के आसपास का सपोर्ट दिखाता है जो, और 46,100 के नीचे यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं, 46,030 तक का सपोर्ट आता है, उसे ब्रेक होने दीजिएगा, गैप डाउन खुल के जो थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर उसको 46,030 को जाके ब्रेक डाउन दे, तो फिर फ्रेंड्स वो नीचे का जो सपोर्ट है ना उसको टेस्ट करेगा 45,910, और दूसरा टारगेट बनेगा 45,830। और ये दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ना, जो एक और पहले की ट्रेंड लाइन थी उसको इसने क्रॉस करके नई ट्रेंड लाइन बना दी थी, स्टीप हो गया था चैनल। अब ये 45,830 को दोबारा से टेस्ट करेगा अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। जब 45,830 तक आ गया, अब 45,830 आने के बाद सपोर्ट ले लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है, लोग यहाँ पे कॉल में बैठेंगे। अगर उसे भी ब्रेक कर देता है और 770 के नीचे ट्रेड करता है, 770 का लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेरे लेवल बैंक निफ्टी फॉलो करता है हमारे चैनल के लेवल्स को, तो अगर वो 770 ब्रेक करता है तब हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे 45,660 तक के लिए, ठीक है, जो कि 110 पॉइंट हमें और मिल जाएंगे। 100 110 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। कुछ लोग बोलेंगे 100 पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, तो इंट्राडे में तो अगर आप आईटीएम कॉल या पुट बाय कर लें तो अमाउंट डबल भी हो जाता है, पैसा डबल होता है एक ही दिन के अंदर अंदर। तो 100-150 पॉइंट की वैल्यू को छोटा मत लीजिए, ठीक है, एटलीस्ट 50% तो 100 पॉइंट में आपका राइस करेगा ही करेगा, राइट। तो हमारा जो टारगेट बनेगा 45,660 बनेगा अगर 770 के नीचे जाता है। अब अगर बाजार यही जाके 770-80 के आसपास सपोर्ट ले, जो कि हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया, डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि भाई यहीं कहीं सपोर्ट एक बार इतना पुल बैक तो मिनिमम देना चाहिए। अगर वो यहीं पे आके गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर सपोर्ट लेता है और दोबारा से आपको दिख रहा है वो 920 के ऊपर एक्टिव हो गया, तो फिर फ्रेंड्स हमारा सीधा सीधा टारगेट जो बन जाएगा वो 46,100 का बनेगा। 46,100 के ऊपर वो टिक जाता है तो फिर फ्रेंड्स हमारा टारगेट दोबारा से बन जाएगा 46,180 तक का। फिर 280 को अगर निकालता है तो फिर ऊपर के लेवल एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, नीचे से हमें ट्रेड कैसे करना है, नीचे से हमारे को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर वो 45,800 के आसपास सपोर्ट बनाता है, 910 को क्रॉस करता है तो हमें पहला सिग्नल मिल गया जी हाँ जी सपोर्ट ले लिया। अब यहां से 46,030 से लेके 46,100 पूरा एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ठीक है। वो यहां पर आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर ये जाके 45,46,100 क्रॉस करेगा और फिर वो
46,190 को जाके टेस्ट करेगा और ग्रीन में जाके क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। और उससे ऊपर निकला तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 46,280 तक, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई बाजार ठीक है यहाँ पर आएगा, सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के उसने 900 के ऊपर निकल गया, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब बाजार बुलिश हो गए, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 46,100 पे कर लीजिएगा और थोड़ा बाकी को एड का स्टॉप लॉस लगा के 46,180 के लिए रख लीजिएगा। 46,180 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग 46,200 पॉइंट तक के लिए ट्रेड और ले सकते हैं, लेकिन टाइम बचाओ, राइट। नीचे जाए, बेस बनाए, ऊपर आए, तो उस पर टाइम बचाओ, तब ये 100 पॉइंट के लिए ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखें, हो सकता है कि 220-225 यहीं कहीं जाके क्लोजिंग ही हो जाए, राइट, क्योंकि 280 पूरा जरूरी नहीं है, टेस्ट करें 230-240-250 पे जाके क्लोज हो जाए। तो उसमें क्या होता है, एंड ऑफ द डे ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से लूज हो रहे होते हैं, उसमें हम एज अ ऑप्शन बायर हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन साइड तो नीचे से अपनी पोजीशन को पुट सेल करके सो जाएगा, वो तो अपना एंड में प्रॉफिट बुक कर लेगा, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए अगर 100 पॉइंट का ट्रेड लेके चले, 20-30 पॉइंट आया वहीं कहीं घूमता रहा, तो हमारे पॉइंट्स लूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला 46,190 के ऊपर, 80-90 के ऊपर ध्यान रखिएगा कि ज्यादा अपसाइड, अगर 2-3, 2.5 बज गई, 3 बज गई तो ज्यादा अपसाइड आने वाला है नहीं, ठीक है। अगर ये दिन में ही आ जाए फटाफट से नीचे करके 12-1 बजे तक ही अगर यहाँ आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली 46,280 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी उस सिचुएशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट खुल के नीचे जाए 40,000 को ब्रेक करे तो कैसे हमें ट्रेड करना है, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दे और गैप डाउन में थोड़ा सा पुल बैक देके उसे ब्रेक कर दे, गैप अप में पुल बैक देके ऊपर निकल जाए, फ्लैट खुल के जाता है तो कंसोलिडेट करके ऊपर जाए। चारों ही सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया कि नीचे हम कहाँ पर जाके बाय करेंगे, ऊपर जाके हमारे को सेलिंग कहाँ करनी है, वो एक लास्ट पॉइंट रह गया कि हाँ कि ऊपर जाके हमें सेलिंग का करनी है। देखिए ऊपर जाएगा उसके बाद आके ये नीचे के जो लेवल है, ठीक है, 46,030 उसको ब्रेक करेगा तो ही हमारे को शॉर्ट करना है, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है विच इज द मिनिमम, मतलब उसका चांसेस है ही नहीं, तो हमारे को वेट करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। हम ये इंतजार करेंगे ब्रेकआउट करें, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, हम ट्रेंड क्या कहीं शॉर्ट नहीं कर सकते, ट्रेंड हमारे को सिग्नल देगा जब 46,030 के नीचे निकल जाएगा कि हाँ अब ये नए ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, हमारा बेस क्या है, टू ट्रेंड लाइन आ रहा है और बेस, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही ले लिया तो फिर हम शॉर्ट क्यों करेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, फिर हम ऊपर के लिए ही प्ले करेंगे, राइट। तो याद रखिएगा शॉर्ट केवल 46,030 के नीचे करना, ठीक है, बाकी जगह लॉन्ग ही है, राइट। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं वीडियोस ऊपर नीचे टाइम फ्रेम में बनाता हूँ, कभी 11 बजे कभी 12 बजे रात को बना देता हूँ, क्योंकि कॉमोडिटी ट्रेड का तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्री होने के बाद ही वीडियो बना पाता हूँ ज्यादातर, कभी कभी उसके बीच में अपलोड कर देता हूँ, तो आप चाहें तो रात में जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तब कर लीजिए, नहीं तो मॉर्निंग में वॉच कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।